मैं अजय सुनी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय कोचिंग क्लासेस पे। आज की क्लास में लोग क्लास 12 के लिए डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। डेरिवेशन है आज का हमारा, एक समान आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है गोले के बाह्य बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। दूसरी कंडीशन होती है कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरी कंडीशन होती है कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें ज्ञात करनी होती है। तीन कंडीशंस होती हैं और ये डेरिवेशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी को आप समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो पहले फिगर को समझते हैं। फिगर में क्या बोला गया है? तो पहले फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये एक गोला है जो कि चालक है। चालक गोला जानते ही हैं, जिसमें आवेश चल सकता है। जिसमें आवेश चल सकता है उसे बोलते हैं चालक गोला। अचालक गोला किसे बोलते हैं? कि जिसपे आवेश न चल सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया है चालक गोला। चालक गोला पे ये खोखला भी है ये, तो इस पर हमने आवेश दे दिया है और वो आवेश चलकर गोले के पृष्ठ पर निकल के आ गया है। क्यों निकल के आ गया है? इसलिए निकल के आ गया है क्योंकि जो गोला है वो खोखला है। खोखला होने की वजह से आवेश चलकर बाहर गोले के पृष्ठ पर आ गया है। तो चलिए इसी को पहले थ्योरी समझते हैं। थ्योरी में क्या दिया हुआ है कि चित्रानुसार माना एक समान रूप से आवेशित 8 त्रिज्या वाला एक कोई गोला है। ये जो गोला है इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, इसका केंद्र ओ है। ओ से आर दूरी पर गोले के बाह्य बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। करना क्या हमें? गोले के केंद्र ओ से आर दूरी पर जो बिंदु पी है यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है? बिंदु ओ को केंद्र मानकर बिंदु पी से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। बोल सकते हैं गोली गॉसियन पृष्ठ। तो क्या किया हमने? बिंदु ओ को केंद्र मानकर बिंदु पी से होता हुआ एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो कि काल्पनिक होता है, आप जानते ही होंगे। फिर क्या बोला गया है कि बिंदु पी के चारों ओर सूत्र क्षेत्रफल वेक्टर डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। इसके हेल्प से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इस बिंदु पी पर। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही होगा। पहले यहाँ पर क्या करा है, वेक्टर डीए क्षेत्रफल लिया गया है। जानते हैं जो हमने गोली गॉसियन पृष्ठ खींचा है इसका एरिया काफी बड़ा है, लेकिन हमने अभी छोटा सा एरिया लिया है वेक्टर डीए। इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स का हमें निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने बताया भी था आप लोगों को, डी फाई इज इक्वल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा। अब डी फाई ई डी ए कॉस थीटा की बात करें, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पर वेक्टर डी ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई, इन दोनों की जो डायरेक्शंस हैं, जो दिशाएं हैं, वो एक ही ओर है। इसकी वजह से जो बनने वाला कोण होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आप रीजन यहाँ लिख भी सकते हैं। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में होने के कारण यहाँ पर थीटा का मान जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉस जीरो। और ये तो जानते हैं कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ से हमने डी फाइव इक्वल टू निकाल लिया ई डी ए। इसका रीजन लिखना जरूरी होता है, तो आप नोट कर ले कॉपी में। ठीक है, इसके बाद ये हमने निकाला इस छोटे से क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें संपूर्ण गोली क्वेश्चन पर से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है और इसी के हेल्प से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स अब निकालना है संपूर्ण गोली गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए हमने बताया था आपको कि यहाँ पर यदि ये वैल्यू जो डी फाई है छोटी है, वेक्टर डीए भी छोटा है, दोनों की जो वैल्यूज हैं वो छोटी हैं। उतर वैल्यूज छोटी होती हैं तो उसका समाकलन करके वैल्यू को हम बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, दोनों साइड का हम समाकलन कर देंगे। और कैसे समाकलन करेंगे? बंद समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बंद समाकलन डी फाई इक्वल टू हो जाएगा बंद समाकलन ई डी ए। ठीक है, इसका समाकलन करें, एक काम कर लीजिए, पहले डी फाई इसका तो होगा नहीं, ये ई बाहर निकल आएगा डी ए। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे, यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर समाकलन करेंगे तो फाई की जगह में क्या आ जाएगा? डी फाई की जगह में फाई आ जाएगा और ई वैसे ही आ जाएगा। और डी ए का हम यदि करते हैं समाकलन तो सिर्फ ए आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, इस तरह हो गया। गॉस के प्रमेय से होता क्या है? फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एस एल एन नॉट।
एक वैल्यू आपको निकालनी है तो उसको आप नहीं रख सकते, ना ही आपको पता है वही तो निकालनी है, यहाँ पर बोला गया है निकालने के लिए, तो आप लिख नहीं सकते यहाँ पर। अब ये ए है, अब ये कैसा है, गोली को स्पष्ट है, ये गोला है, तो यहाँ से इसका जो सूत्र बनेगा, एक गोला है तो गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4π r² अब हम यहाँ से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए क्या करेंगे, यदि ई को हम यहाँ बचा लें तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1/4π ε₀ q/r², तो यहाँ से हमने गोली को स्पष्ट के बाह बिंदु पर है ना, गोली को स्पष्ट के बाह बिंदु तीव्रता ज्ञात कर ली है। अब इसके बाद गोले की पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, तो चलिए देखते हैं आगे क्या बोला गया यहाँ पर, कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तब, तो क्या हो जाएगा, जो आपका ये बिंदु P है, यदि ये बिंदु P उठकर इस पृष्ठ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, इस अंदर वाले गोले के पृष्ठ पर यहाँ पर बिंदु P आ जाता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो कैपिटल R होगा वो स्मॉल R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि स्मॉल R का मान जो है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। उसके पहले हमने वैद्युत क्षेत्र की क्या निकाली थी, E बराबर 1/4π ε₀ q/r² निकाली, नहीं निकाली, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर R की जो वैल्यू हो, स्मॉल R की वैल्यू कैपिटल R की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ना होकर R हम यहाँ से इरेज कर देंगे, यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। तो चलिए देखते हैं गोले अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए आपको गोले में पहले समझाते हैं, गोले में क्या बोला गया है, गोले में है क्या, अब यहाँ पर कह रहे हैं गोले के अंदर, अंदर कहीं पर भी ले लें, यहाँ पर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें निकाल लें, तो ये जो गोला हमने लिया है ये खोखला गोला है, ठीक है, खोखला गोला होने की वजह से हमने आवेश को दिया, अंदर आवेश दिया, लेकिन वो चलकर गोले के पृष्ठ पर आ गया, तो आपको यहाँ से यहाँ पर क्या दिखा कि आवेश गोले के अंदर नहीं है, आवेश जो था गोले के, जो हमने गोले के अंदर आवेश दिया वो गोले पे न रहकर गोले के पृष्ठ पर आ गया है, तो यहाँ पर अंदर तो कोई आवेश नहीं, और यदि आवेश कोई नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, अंदर कोई आवेश नहीं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही नहीं, जैसे कोई फॉर्मूला होता क्या है, एपन क्यू होता है कि नहीं होता, अब यहाँ पर आवेश यदि जीरो कर दें तो इसके बाद बल, तब आवेश नहीं बल नहीं, और तब बल नहीं तो आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, कुछ होना ही नहीं है, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बोला गया, चलिए थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी में क्या बोला गया है कि जब बिंदु पी गोले के भीतर होगा और बिंदु ओ को केंद्र मानकर बिंदु पी से होकर गुजरने वाला गोली को स्पर्श खींचा जाएगा तो इसके भीतर कोई वैद्युत आवेश नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हमने वैद्युत क्षेत्र तीव्रता मान ली और इससे होता हुआ यहाँ पर हमने कोई बिंदु पी ले लिया है और इससे होता हुआ कोई गोली को स्पर्श खींचते हैं तो इसके अंदर कोई भी आवेश हमें प्राप्त नहीं होता। यदि आवेश कोई प्राप्त नहीं होगा तो इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ पर जीरो हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों ने तीनों कंडीशन अच्छे समझ ली है, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।